हेलो एवरी वन सेल्फ अनिश पाटेल और आज से हम इन्फ्लामेशन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है लास्ट लेक्चर तक हमने सेल uh, इंजरी वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज से हम इन्फ्लामेशन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिस तरह हमने सेल इंजरी वाला टॉपिक पूरा एनर्जेटिकली कंप्लीट किया था उसी तरह और उससे भी ज़्यादा एनर्जी के साथ हम इन्फ्लामेशन को भी कंप्लीट कर देंगे ठीक है तो देखो इन्फ्लामेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो आपको इन्फ्लामेशन की बेसिक डेफिनेशन आना चाहिए और उससे भी पहले देखो ये एक ब्लड वेसल है ठीक है नॉर्मल ब्लड वेसल है इसमें ब्लड फ्लो करेगा और इसके ब्लड के कंपोनेंट्स कैसे फ्लो करेंगे साइड एक्सिस है ना इसमें प्लाज्मा मूव करेगा प्लाज्मा फ्लो करेगा और सेंट्रल एक्सिस में सेल्स मूव करेंगे जैसे डब्ल्यू बी हो गए और बाकी सारे सेल्स सेंट्रल एक्सिस में मूव करेंगे ठीक है पहले इतना जान लो तो इंफ्लामेशन को समझने में थोड़ी बहुत आसानी होगी देखो सबसे पहले क्या होगा इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन समझो ये इन्फ्लामेशन एक रिस्पॉन्स है टिश्यू टिश्यू का मतलब मतलब ब्लड वेसल्स का रिस्पॉन्स है किसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स है इन्फेक्शन और डेमेज टिश्यूज के अगेंस्ट अगर आपने सेल इंजरी में नेक्रोसिस का मैकेनिज्म ठीक से पढ़ा होगा जो मैंने कवर किया ही ऑलरेडी उसमें भी मैंने बताया था कि नेक्रोसिस के साथ साथ इन्फ्लामेशन भी होता है ठीक है अगर इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन uh, तब होगा जब इन्फेक्शन होगा या फिर डैमेज टिश्यूज होगा उसके अगेंस्ट ब्लड वेसल्स का रिस्पॉन्स होगा और उसके कारण क्या होगा देट ब्रिंग्स होस्ट डिफेंस सेल्स होस्ट डिफेंस सेल्स मतलब यहाँ पर डब्ल्यू की बात कर रही है फ्रॉम सर्कुलेशन टू साइट्स वेयर दे आर रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑफेंडिंग एजेंट्स देखो ब्लड वेसल्स में ब्लड नॉर्मली फ्लो कर रहा था ठीक है अब उसकी रिक्वायरमेंट हुई हमें डब्ल्यू की तो वो माइग्रेट करेंगे ब्लड वेसल्स से जहां पर इंफेक्शन और एंटीजन या फिर कोई भी ऑफेंडिंग एजेंट्स प्रेजेंट हो और उन्हें रिमूव कर देंगे मतलब देखो क्या है ये डब्ल्यू बीसी यहाँ पर ये साइट है जहां पर ऑफेंडिंग एजेंट प्रेजेंट है जैसे कि इन्फेक्शन हो गया एंटीजन हो गया यहाँ पर डब्ल्यू माइग्रेट करेंगे और इन्हें रिमूव कर देंगे ठीक है ये

देखो इसके नाम में ही है एक्यूट मतलब उसका ऑनसेट बहुत ही क्विक होगा विद इन मिनट्स आवर्स या ज्यादा से ज्यादा डेज में इसका ऑनसेट हो जाएगा पर क्रॉनिक का टाइम कंज्यूमिंग होगा उसका ऑनसेट लेट होगा डेज भी लग सकते हैं मंथ्स भी और कभी कभी तो ईयर्स भी लगते हैं फिर मीडिएटर कौन सा होता है कौन सा डब्ल्यू मीडिएट करेगा पर एक्चुअली में कौन सा मोर प्रिसाइजली एक्यूट इन्फ्लामेशन को न्यूट्रोफिल्स मीडिएट करते हैं और क्रोनिक इन्फ्लामेशन को मैक्रोफेज लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल्स मीडियट करते हैं पर उसमें मोस्ट कॉमनली मैक्रोफेज होता है अगर एम सी क्यू है कि क्रोनिक इंफ्लॉमेशन का मीडिएटर कौन है एक ही सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाला हो ना तो मैक्रोफेज सिलेक्ट करना अगर मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाला हो जैसे ऑल्सो तो ये तीनों उसके आंसर होंगे ठीक है तो इसमें मिस्टेक मत करना ये बात ध्यान रखना फिर इसके कुछ एक्सेप्शन भी है जैसे कि एक्यूट टाइफॉइड फीवर हो गई एक्यूट फीवर में न्यूट्रोफिल मीडिएट नहीं करता है यहाँ पर लिम्फोसाइट का लेवल हाई देखने को मिलता है ठीक है और उसी तरह दूसरी तरफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में क्रोनिक सुडोमोनास का इन्फेक्शन होता है ना देखो इतनी तो कॉमन सेंस है ये सारे सेल्स से है वो क्रोनिक इंफ्लामेशन में इंक्रीज होंगे तो एक्यूट में एक ही हो रहा है तो वो इसका एक्सेप्शन होगा तो उसमें न्यूट्रोफिल ही इंक्रीज होंगे मतलब क्रोनिक सुडोमोनास इन्फेक्शन होगा उसमें न्यूट्रोफिलिया होगा न्यूट्रोफिल का लेवल हाई देखने को मिलेगा देखो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है ना उसके लिए स्टिम्यूल होता है वो माइल्ड इंजरी होती है और ये सेल्फ लिमिटिंग होता है मतलब तुरंत इंक्रीज करेगा और फिर थोड़े टाइम बाद डिक्रीज भी हो जाएगा पर क्रोनिक इन्फ्लामेशन का ग्राफ ऐसे नहीं चलता है वो इंक्रीज होगा फिर और इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे टाइम जाएगा या फिर आगे जाके कॉन्स्टेंट हो जाएगा पर खत्म नहीं होगा ये इसके लिए स्टिम्यूलस होता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन के लिए सीवियर टिश्यू डैमेज और कभी कभी इसमें फाइब्रोसिस भी देखने को मिलती है जनरली क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है ना उसमें फाइब्रोसिस देखने को मिलती है ठीक है ये बेसिक डिफरेंस है हम एक्यूट ऑब्वियसलीफ्लामेशन को क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे पर उसके लिए आपको थोड़े बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन की जरूरत होती है वो मैंने क्लियर कर दी है फिर देखो इन्फ्लामेशन के क्या क्या पॉज हो सकते हैं यहाँ पर भी काफी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है रुको अभी कन्फ्यूजन क्लियर करता हूं सबसे पहले इन्फ्लामेशन का कॉज है इन्फ्लामेशन एक रिस्पॉन्स है किसके अगेंस्ट इन्फेक्शन के अगेंस्ट इन्फेक्शन कोई भी टाइप के हो सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया वायरल इन्फेक्शन हो गया एटसेट्रा एटसेट्रा या फिर किसी टॉक्सिन की वजह से हो गया फिर टिश्यू नेक्रोसिस मैंने बोला था नेक्रोसिस में न्यूट्रोफिल इनफिल होता है और वो एक्यूट इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं टिश्यू नेक्रोसिस में भी इन्फ्लामेशन हो सकता है फिर फॉरेन बॉडी इंफेक्शन में ही आ गया कोई फॉरेन बॉडी प्रेजेंट है तो उसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है और इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन देखो लोगों को लगता है कि ये पहले तीन कॉजेज है ना ये सही है पर ये चौथा समझ नहीं पाते यहाँ पर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है ना यहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी की बात की जा रही है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन का एक टाइप है ठीक है तो आप ये ध्यान रखना इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन में भी इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है फिर देखो अब नॉर्मल बेसिक इंट्रोडक्शन का लेक्चर है इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते पर एक्यूट इन्फ्लॉमेशन के साइंस डिस्कस कर लेते हैं ठीक है देखो एक साइंटिस्ट थे थेल्सस उन्होंने चार साइंस दिए थे जिसको हम सेल्सस साइंस के नाम से जानते हैं उनके साइंस क्या थे रूबोर कॉलोर डॉलर और ट्यूमर ये चार चीज़ें इन्फ्लॉमेशन में देखने को मिलती है और इनके स्पेलिंग थोड़े से याद रखना देखो सब में लास्ट में ना ओ आर कॉमन आ रहा है ठीक है देखो हमारे क्या हमारे कॉलेज में हमारे एक सर थे वो हमें क्वेश्चन तो पूछते ही थे उनके साथ साथ में हमें उसको स्पेल हमें अगर देखो दे, राइट आंसर नहीं आता तो तो क्लास तो से ही बाहर निकाल देते अगर राइट आंसर दे दिया बाई चांस किसी ने तो उनको स्पेल करने का बोलते उसकी स्पेलिंग बोलो ठीक है तो आप ये ध्यान रखना इसकी स्पेलिंग में कंफ्यूज मत होना यहाँ पर रोबर मतलब इंफ्लामेशन होगा वहां पर रेडनेस हो जाएगी फिर कैलोर मतलब इनक्रीज इन टेम्परेचर डॉलर से मतलब है पेन और ट्यूमर से तो अभी तक समझ ही गए होंगे स्वेलिंग देखो इसमें ना कैसे क्वेश्चन आएगा रुको रुको पहले फिफ्थ साइन डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद इसमें कैसे क्वेश्चन आएगा डिस्कस करते हैं देखो फिफ्थ साइन है ना वो सेल्स साइन नहीं है ये फिफ्थ साइन दिया था फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी रूडल्फ विचोसर ने ठीक है और उनका क्या कहना था फंक्शन मतलब लॉस ऑफ फंक्शन

देखो इतना ही था आज के लेक्चर के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन ये बहुत ज्यादा लोड मत लेना इसमें और मैं रॉबिन्स में दिखा देता हूँ मैंने आज के लेक्चर में कितना कवर किया है देखो यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है रॉबिन्स में से ये भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पर इंफ्लामेशन की डेफिनेशन दी है तो वो पढ़ लेना एक बार फिर फिर देखो यहाँ पर एक्यूट वर्सेस क्रोनिक इन्फ्लामेशन है उसका टेबल दिया है और यहाँ पर सारे के सारे साइंस डिस्कस की है सेल्सियस साइंस है फिर फंक्शोल एसिया है वो देख लेना और कॉजेज ऑफ इन्फ्लामेशन देख लेना बहुत ज़्यादा रीड करोगे तो भी चलेगा इतना कुछ टफ़ नहीं है पर रीड करने की जरूरत नहीं इन्फेक्शन वो सब ऊपर ऊपर से याद रखोगे तो भी चलेगा फिर देखो कितना हो गया देखो यहाँ पर बाकी के सारे कॉजेस दिए आज के लेक्चर में इतना ही कवर किया है मैंने नेक्स्ट लेक्चर से आप एक्यूट इन्फ्लेमेशन को और ज्यादा डिटेल में स्टार्ट कर देंगे ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉच